नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24/7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिल सदा। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राजू लोधी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने दिखाई ताकत, निकाली बाइक कार रैली। आज दिनांक 3/1/2018 को सुबह 10 बजे से ही युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने झंडी दिखाकर रोड शो को रवाना किया। गेस्ट हाउस से छतरी चौराहा, गोहनिया चौराहा होते हुए नकटादाना चौराहा से ठेका चौकी होते हुए कोतवाली चौराहा, फिर मुख्य बाजार से होते हुए चावला चौराहा, सुनगढ़ी थाना आकर रामा इंटर कॉलेज मैदान में रैली का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के जिला प्रभारी पूरानंद लोधी व भाजयुमो के प्रदेश मंत्री जवाहरलाल रहे। रोड शो के दौरान खुले वाहन में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजू लोधी के साथ उत्साह बढ़ाने प्रदेश मंत्री भाजयुमो जवाहरलाल, भाजयुमो के क्षेत्रीय महामंत्री सोनू बाल्मीकि, युवा भाजपा नेता अंशुमान तिवारी, अमित गंगवार सहित दर्जन भर कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समापन कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए जवाहरलाल ने विरोधी पार्टियों से पूछा कि अब अफजल कहां निकल रहा है, जरूर सेना के डर से छुपा होगा। मुख्य वक्ता पूरानंद लोधी ने कहा कि पीलीभीत का युवा मोर्चा जरूर प्रदेश भर में एक अलग छाप छोड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सोनू बाल्मीकि ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अंशुमान तिवारी ने कहा, हम अपने जिला अध्यक्ष के साथ सदा चलते हुए युवा मोर्चा को मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में पप्पन गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूरनपुर यादविंदर सिंह सोढ़ी, शिवकुमार बासवान, दिवाकर वर्मा, राधे गंगवार, शेदालाल मंगली प्रसाद, शैलेन्द्र प्रताप, आशु शर्मा, अभिनव द्विवेदी, अभिषेक पांडे। मुझे लग रहा है मेरी आवाज आपसे तेज, तो आवाज और तेज होनी चाहिए। बोलो भारत माता की। हमारे बड़े भाई शिवानंद शास्त्री जी मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि वो आप सब युवाओं से कुछ बात करें। आमंत्रित करता हूँ शिवानंद। आप अभी हाल ही में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पीलीभीत बनाए गए हैं, किस तरह पार्टी और संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे? हम संगठन को, पार्टी को, गांव-गांव, एक निचले स्तर का कार्यकर्ता जो लोगों के भ्रम में नहीं आता है, जो वोटर है, उन लोगों को, जो बीच के बचौलिए लोग होते हैं, वो भ्रमित करते हैं। और आज का युवा और आज का कार्यकर्ता वो सब समझ गया है, और इसीलिए इन सबको बहुत, जो 17 का चुनाव हुआ आपने देखा होगा कि बहुत बुरी तरीके से, जो विपक्ष लायक भी नहीं रहे, बैठने लायक नहीं रहे, वो सब युवाओं की देन है, जो आज किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी इकट्ठे हो रहे हैं अपना वजूद बचाने के लिए। उन लोगों का वजूद नहीं है, इसीलिए वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों का वजूद ख़त्म हो जाएगा, लोग नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। ये सब युवा मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं के साथ